तो खोल खोल गॉट खोल मारे देखना है। व्यापारी एयरपोर्ट को खोलियो, चीर पर्सन आया रोनी जी, होनारी जरी रा चीर माय होनारी जरी गल लागो। रोनी जी के एक चीर तो मारे लेनो पड़ी। व्यापारी ने पूछे, अरे भाई तारे ना हाड़ी की कीमत का है? कैसा एक हाड़ी रा लाख रुपया? कोई कम ज्यादा के कम है, कोई ज्यादा है? एक लाख रुपया कीमत है। रानी जी के लाख रुपया भाई तो चीज तो लेनो, पर लाख रुपया की चीज लिया तो राजा साहब ने पूछे लेनी पड़े। पांच दस रुपये की चीज लिया तो वरना पूछ लिया, लाख रुपये रो होदो करो तो राजा साहब ने पूछना पड़ी। तो हुक्म करो दक्षिण के जाम राजा साहब ने महल में बुलाओ। राजा साहब महल में आया कि हमारे एक चीज लेना है, होनारी जरी वाला है। राजा पूछो कीमत कैसा? लाख रुपया। राजा रानी जी के एड़ो चीर मुंगा अपने नहीं लेनो, लाख रुपया रो चीर ओढ़ो तो ही राजा री रानी हो, ने पचास रुपया री हाड़ी ओढ़ो तो ही राजा री रानी हो, कोई बीजा व्यवहार नहीं हो। अपने इतरो मुंगो चीर नहीं लेनो। राजा थोड़ा आग तबीन बोलिया, व्यापारी हमजियो के बहना घर में कदागर हुए तो अपने व्यापार नहीं करना। वो पाची गोट बोदिन वो रवाने हुए। व्यापारी बाजार में जाता बड़े आका कीदा, कोई चीर लो कोई चीर लो। तो उन शहर में एक पद्मासन सेठ रहतो, जिनने हुंगा आत्मियारी खबर नहीं, उन्हें कने कतरा कार कोना है, कतरी मिला है, कतरा नौकर है, उन्हें खुद नहीं ठानी। वो सेठ है मन बाजार में कोई आवे चीज बाराती कोई व्यापार आवे तो नहीं वके तो वो सेठ खरीदे, वगर जरूरी चीज वे तो बालडो व्यापारी लाइयो लाई निराश बन जाए, कोई नहीं लिए तो अपने खरीदे गोडम में डाल दो। सेठ हिंडोले खाट ही से बाजार में व्यापारी आवाज दी थी कोई चीर लो। सेठ ने देखे हाजरिया गुमास्ता के जाओ व्यापारी ने बुलाओ। व्यापारी ने बुलाया पूछियो क्या है तेरे पास? के साथ चीर है ओढ़ वाला तो खोल। खोले देख दिया तो सेठ पूछियो के तारे कने कतरा चीर है? के साथ हमारे कने बियाली से बे ने चा चियाली ने बे चीर है। कीमत के कीमत सा लाख रुपया। पद्मासन सेठ बोलियो व्यापारी ने कियो के चीर तो मारे लेना था पर थारे कने अधूरो व्यापार है पूरो नहीं है। व्यापारी पूछियो पूरो की करनी? के मारे 84 हेटोनी और थारे कने 42 सीरे आदन राजी करू ने वैराजी करने करू। मारे तो 80 ने 4 84 हेटोनी थारे कने 42 सीरे। व्यापारी के साथ आप खरीदो तो मुँह तो हमेरा में मारे गर्ती मंगाऊ रहा बीजा आधा भले तो के तू मंगावे तो मुँह खरीदू बरा। व्यापारी 42 चीर बीजा मंगाया, 84 चीर गणी ने व्यापारी दीदा। हेट है जो पद्मासन सेठ 84 लाख रुपया गणी ने व्यापारी दीदा। वो 84 लाख रुपया लेन व्यापारी घरे गयो, हवेली जाए खबर दे के राजा साहब मलवा आवे, क्योंकि बड़ा आदमी जाए तो पहली है जो उन्होंने हम इंचार करना पड़े। वो दरबार में थी हलकारो गयो, पद्मासन सेठ की हवेली रे बारे संतरी उबो, खाकी ड्रेस पहरवाने बंदूक हाथ में लीधोड़ी संतरी वटे टेले रियो। संतरी पूछियो कि क्या बात है? कि सेठ साहब अंदर है? कहाँ है? तो सेठ साहब को बोलो कि जे राजा साहब आवे। उस संतरी के कहा हूँ कौन करो? संतरी माँ जाए सेठ की माँ हिंडोले खाट हिस्ती थी, होनारी तनिया लागुड़ी होकड़ा काटनी होनारी होनारी होकड़ो में हिंडोलो बहुत जोड़े हिंडोले खाट सेठ री माँ हिंचे री है। वो संतरी जाए के माँ साहब सेठ साहब को बोलो कि जे राजा आवे मलवा। हाँ हाँ के मुँह कह दो। सेठ री माँ जाए क्यों के बेटा राजा आवे तो के खरीद लो। वो राजा में हज में नहीं के राजा बड़े कब है वो गधाने कोई बाराती माल आई हो तो खरीदो। सेठ री माँ बोली खरीदे कोई राजा आवे? हाँ हाँ खरीद लो, नहीं मैं तो गोडम में डाल दो। सेठ री माँ बोली के तू बेटा पागल हुआ, सेठ गोडम में कहीं डाले थारा धनी आवे? धनी क्या था जेज वे तो सेठ रे खटको पड़ी हो, दिमाग में झटको आयो, बिजली रो झटको आवे जी मारे ऊपर धनी? कहाँ बेटा तू सेठ हुआ मालदार हुआ तो कहो थारे ऊपर धनी है? धिक्कार है मारा जीविया में।
राजा री रानी के मारी जीवी हम धिकार ने वो अतरो सेठ मालदार वही के मारी जीवी हम धिकार तो अन मनरे कतरो सही जन मनरे हे कटी माप है नहीं है सा अन्ने कटी सीमा नहीं है न होदो कटी हे को तो आ तृष्णा है आ तृष्णा पूरा जग ने खादो है रे सा तृष्णा ने खावा वाला नहीं मिलिया ने तृष्णा है नो नहीं खादो रे अब वो सेठ के रोज एक एक सेठोणी रो त्याग करू ने 84 दन वेजर 84 हेठोणी रो त्याग करिन पछे सन्यास ले बाबो वेन माला फेरवा जाऊ एडी माला फेरू के हम के मु जन्म लऊ तो मारे माथे धणी नी वेणा थई जे हमें देखो हर आगे लागी उनी हम के बाबो वेन माला फेरू तो मारे ऊपर धणी नी वेणा थई तो सेठ कहीं करे रोज एक हेठोणी रो त्याग करे अवारा उठे हनन बीजो करिन एक हेठोणी ने माथे हाथ पर फेरे 84 दिन वही जेल पसे मु संन्यास लेन जाऊ चित्रे पाड़े गांव में उनी बहन पर नई उड़ी थी पद्मासन सेठ री बहन अरे बहन भाई दोई जता ने दोई और एक ही नाम बनने कहता पद्मासन सेठ ने बनने कहता पद्मावती अरे जा वन्ने बहन ने कनी हम विचार दिया के थारो भाई है जो एक एक हेटोनी रो त्याग करे है 84 दिन वही जर थारी भौजाई रो त्याग करे वो तो बाबू बिंद्रो जाई थारो भाई तो जब ने आंख में आंसू आई है अरे सेठोनी जब आंख में आंसू आई है जतरे वन्नो गरोदनी गिरिया यो स्नान करवा अरे शाह सेठ कियो के सेठोनी गरम पानी लाओ मैं स्नान करू अरे ओ टुवाले जो पेरे पर उंगाड़ो बिन बाजूट माते झीलवा बैठो अरे शाह ने सेठोनी गरम पानी री बाल्टी लेन आई ने आंख में आंसू देखिया अरे सेठ पूछियो सेठोनी आंसू की करे आंख में अरे शाह के अबार एक आदमी आयो तो मने हम विचार दीदा है मारो भाई है जो मारी भौजाइयो रो त्याग कर रियो है एक एक त्याग तो 84 दन वही जन मारो भाई तो बाबू विंद्रो जई तो थारो भाई कालोन थुई काली है के क्यों क्यों का बजे 84 दाड़े एक एक त्यागे जतरे प्रो मुओ तो माला कदी फेरी रे जा रे हां बराबर जानो ही वे तो एक आधा घंटा में हमारी माते हाथ फेरे तो जाए 84 दाड़ो प्रो मुओ तो माला वाली कदी मनरी मन में रही रे जा के वा चेटोनी बोली के हां मारा भाई रे बारा में थी एड़ो होसो रे देखो होरो गलुगाया त्यागी थी वे तो मु एक उजन नो करन त्याग रे जा रे के वो हेठ झीलवा बैठो तो जको माते हाथ फेरे वीर वो के जा हमें होरी रे जे रे वा लारे आका करे यू का करो मु तो ईसी करू के ईस करनो तो हसणी हुओ रे जा रे वो चेट जातो तो को मन्ना हाला ने रे बेनो जैन हाला रे गालियो बहुड़े हाथ रे जा ऊट पागल के मालाज फेरनी तो हैंगोरी माते हाथ को हाथ फेर पे भई हालो बेन भेलाई गया लारों वा है पद्मासन चेटरी बहन जो वणी है जो दीक्षा ले दी दीक्षा लेने वणे पछे बड़ो त्याग की दो तो वा आज भी पद्मावती देवी ने जैन धर्म में पूजे दिया है तो कहवारो मतलब अन मन रे कोई सीमा नहीं है आ तरसना ऐसी डाकणे हैंगो नहीं खदब रहा हाँ सफाड़ जी सर रे शाह दो जैनी साधु रे दो जना जैनी साधु रस्ते रस्ते जाता था रे शाह रस्ते रस्ते जाए तो मार्ग रे मा एक चींतरा रो कोतलियो रे चींतरा रो कोतलिया में हो मोर रे शाह हो नारी कतरी हो रे सो मोर मा चींतरा रो कोतलिया माते डोरो बोजियो रे शाह जैन साधु देखियो को कावे हाथ में लीजो के वजनदार डोरो खोलेन बाळे तो मैं होनारी मोरा वणी सबटीम गिरिन पासो नोक दी दो के एनो अपने नी सही छे रे सा रे क्योंकि त्यागी ता रे वो कोतरियो तो हो मोरो रो जो वणी साधु ए नोकी दी दो रे सा थोड़ा एक धके गियान जतरे हमे बी फौजी आवे रे मिलिट्री रे सा दो आदमी घोड़ा माते चढ़ियोड़ा दोई जना रे दोई जना रे अलग अलग घोड़ा माते चढ़ियोड़ा आवे जतरे वे जैनी साधु हमा मळिया वणन के ए भाई साहब थे अटंग वो पाड़े मार्गे डोड़ी बिन जाओ पर अड़ मार्गे मत जाजो के क्यों क्यों का वश में एक डाकन बैठी है रे तो थाने पर खाई रे शाह वे फौजी के एक बाबड़ा साधु तो साधु जे रे वे हसिया के डाकन मोरे काव करे तो थाने भी आयो मैं तो खुद डाकी आऊं रे शाह अरे भाई साहब मारो मनो मैं साधु हूं मारो मनो पर डाकन बैठी है थाने पर खाई रे के जाओ जाओ थे मैं तो आप ही जाऊं रे शाह ए फौजी घोड़ा लेन थोड़ा ही धके गया ने वो चींतरा रो कोतरियो दीदो ने माई थी खोलेन बाड़े तो माई हो मोरो
एक जना कने मोरो रो कोतली अन बई जना हालिया हमें थोड़ी उना ने भूख लागी और पोतारो गोम जी अलगो है एक गोम रो आयो केटे गोम में ओबे फौजी आदमी कने गिरे जाऊं अपने गोम रे बारे टे बी बटर लावीन चूलो मोड़ी दाल लोटा बनाओ अबे फौजी घोड़ो ने बो दिया है घास बीजो लाइयो घोड़ो ने घास ना कियो हमें माते मेली दाल एक जनो के थोड़ो सामान कोई कम पड़े तो मैं बाजार ती लेना हूं थी जितने दाल तैयार करो भरी रोटा तो हम खे में गालिया दाल ही नहीं रही है एक जनो दाल रोटा बनावे बीजोड़ो गियो बाजार में चित्रे वाड़ में थी निकलियो कालीन दाल हाफ निकलियो फौजी रे दिल में कपट आयो दगो वापरियो के हाप रो भोड़को वाड़ी मैं प्रो नौको दाल ले मैं जिको हो मोर मारे पी गई हाप रो भोड़को वाड़े भी वो तो नीसो भी प्रो दे दाल ले मैं कि सरप रे जेर वे जिको मोराइयो मैं जिवे मुड़ा में मोराइयो री पोटकिया में वन में जेर वे दाल में नौके वो मैं तैयार की दो का भाई वो आ भी गए जब मैंने दाल लोटा थाली में गालिन दो के थू जीम पूरा मुंह थोड़ा वन में जाना जितने वो खातो खातो पूरा ले लीजिए वो बाजार में गियो तो वन्ने माए भगवान वन्ने वन्ने भगवान तो हैंगो मैं एक ही से बीजा नहीं है वन्ने मन में कपट वापरियो के यूं करूं के अलगा थी जाता तो को पिस्तौल है जो दो तीन बड़ा का हाथों का करूं तो वन्ने पौड़ाड़ी पर पसे मारा ले रेशा वो बाजार में थी आता तो बड़े एक आदमी वाला मन चेटी रियो न पाड़े पिस्तौल दी तो ठर 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 तीन चार बड़ा का अरे गट दिन रेडियो अरे माते नौकियो कपड़ो अरे माते पछेड़ो उड़ाई पुरन के मैं मुंह प्रो जिमो अरे जा ने मारो लेन प्रो जाऊ अरे अभी जिम वा बैठो जो जिम तो करे लेरो न उठाई कोपड़ी अरे या डागना भेड़ी दी हरी तो आ माया ऐसी डाकनी है आ तो तुमड़ा है माया तुमड़ो जड़ी है जो तू तुम्बा तारी प्राण मारी प्राण माया दो ही काम करे है पहला नदी आवती जरे नदी में आदमी तेरू तेरू कमर रे तुम्बा बोदेन मैं पड़तो तुम्बा बोदेन पड़तो जो बीबी आदमी अन पकड़ी लेन प्रो जाते नदी कैडी आई है के तुम्बा तार तो तुम्बा बांधे जाने वो इस तुम्बा में तेरे नदी में पड़ी है अगर तुम्बा बांध वालों वन्ने बैलेंस याद नहीं दे तो तुम्बड़ा काव करे के मैं पढ़ते हैं उदो प्रो करे माँ तो पानी में पग प्रो करे ऊंचा आ तुम्बड़ा जो ही काम करे तारी है मारी है तो माया तुम्बड़ो जड़ी है अगर अन्य कोई है जो माया ने वापरे जाने तो तारी इतना निद्र भैया मारता तो टेम नहीं करे देखा है हमने सिमरन में सुख भरी धरु को ध्यान लगो सुमरन में जद लियो पेलाद बिसारी पहली सतयुग में दरुजी महाराज ध्यान की दो 5 वर्षी उम्र में दरुजी तपस्या की दी तो लारा थी पहला भक्त हुआ जो मैंने देखियो कि दरुजी जेड़ा जो 5 वर्ष की उम्र में तपस्या की थी तो मुंह तो होड़े वर्ष रहूं तो उन्होंने एक एक ने देखा देखी कौन प्रोवे है दरु को ध्यान लगो सिमरन में जद लियो पहला बिसारी कष्ट सहयो सुमरण नहीं छोड़ियो दरुजी मां अरे पहला भगत ने हरना कुछ कई तरह से कष्ट दियो मगर वने सुमरण नहीं छोड़ियो कष्ट कष्ट दियो सुमरण नहीं छोड़ियो जब लीनी मोक्ष ललकारी देखा है हमने सुमरण में सुख भारी राजा हरिचंद्र रानी तारा दे नीच घर बनियारी राजा हरिचंद्र तारा मती हरिचंद्र गृहपुरा वकिया शरीर रो भोग दियो पोते इतना वकिया पण आपनो सुमरण नहीं छोड़ियो राजा हरिचंद्र रानी तारा दे नीच घर पणियारी श्वासो श्वास लगा सिमरण में सब तन भोग विचारी देखा है हमने सिमरण में सुख भारी सुमरण माज लगी उर अंदर जिन्ने अन हृदय में सिमरण की मौज लगी है वन मौज ने तो वही समझे है कोई कहे मारे पेट घणो दुखे पारडा के अरे भाई का करो पण मन दुखे वने चाहे बीजोड़न ठानी के केड़ो दुखे वो तो आ सिमरण री मौज एड़ी है के जने लागी वने ठा है रेशा रे
सिमरन माज लगी उर अंदर दिन दिन नर अवतारी। वे भले ही मन जमारे आई है, वे भले ही मारे पेट आया है, जो को भगवान रो सुमरन करी लिया है। सुमरन माज लगी उर अंदर दिन दिन नर अवतारी, सिमरत राम के जपो अजंपा वन घटरी है बलियारी। देखा है हमने सिमरन में सुख भारिया भारी खमा खमा वा महाराज। दो सब संग्रह
सतगुरुदेव की सनातन धर्म की। अच्छी लगे क्योंकि हाथों ने हाथ प्यारो है और झूठों ने झूठ प्यारो है। हैंगोरे तो सही से दन रात पड़े दिन के करे दन उंगे क्यों सूर्य भगवान उदय वेदरे सबोरे गायों रा गाला निकले तो हैंग तो वाट जोवे के करे हवार वे और गुंगू राजा जाने के करे रात पड़े क्योंकि दंदरा गुंगू राजा ओंदो प्रोवे पूरी तरी करण निकलते ही गुंगू ओंदो भी जाए सोरों ने सोर वे बना रे रात हकरी लागे यारी लागे है रेजा। तो मतलब गंदा आदमी ने गंदी बात हकरी लागे और सतवादी मैंने छतरी बात हकरी लागे। तो महात्मा सत्य भक्ति रा बढ़द दिए है संत भजन बनाया है ने भक्ति करवा वाला ने बढ़दाया है। कोई कहे के बढ़दाविन थे तैयार की दो है तो भक्ति रा भी बढ़द देना पड़ते बढ़दाइयों से भक्ति में पैसे लागो पैसे तो बात छोड़ो सस को लागो पैसे तो वो आप ही करे है। 17 सवाल सुनो सतवादी केवल अलस भक्ति रा भक्ति करवा वालों एक लक्षण आदमी वे है वो घड़ी घड़ी में कन्नी कन्नी नकल नहीं करे है वो एक रसो रे है एक ही रंग में हले है। 17 सवाल सुनो सतवादी केवल अलस भक्ति केवल करने के एक ने केवल लक्षण है भक्ति रा अन गढ़ की नेम निजर कर देखो काया शरीर काया गढ़ है अन काया गढ़ मत नियम बनियोड़ा है वे नियम बराबर निरीक्षण करो देखो शरीर में 10 दोष बताया है वे 10 दोष देके ने निवारण पूरा करो तो भक्ति करी है के नहीं तो भक्ति नहीं करे। जब तक 10 दोष माइती 1-2-5 जो लागू बोड़ा है 10 दोष लागू बोड़ा है जितने वो भक्ति नहीं कर सके। सत्संग में जावाती के एक सत्संग दे माया तो आदमी जड़ बुद्धि रोवे तो ही सज्जन प्रो बने पण कौन बने के पहली अपना 10 दोष निवारण करे ने और शरीर रूपी ठोमे जको ने साफ करनो रेजा उस शरीर रूपी एक पीपड़ो है डबो है डब्बा रे माते कई जन्मों रो माते जंग आयोड़ो काट जमियोड़ो है पहली ने डब्बा ने जो ठीक रो ने सोना ने घसे घसावे डब्बा ने साफ करनो पड़े और पसे पारस रो खोड़ को लगावे तो वो डबो होना रोवे तो शरीर एक पीपड़ो डबो है और शरीर रे माते 10 दोष लागू गड़ा है 10 दोष निवारण करे संगत करे तो महात्मा रो शब्दों रो ने खोड़ को लागे है नीतर भले रोज संगत में जाए तो कोई कोमे नहीं आवे। 17 सवाल सुनो सतवादी केवल अलस भक्ति रा अनगढ़ की नेम निजर कर देखो थारे वणिया मैल मुक्ति रा अरे संतों केवू बड़द भक्ति रा कर दल सा पाप मति राखो दोष नहीं लागे एक रति रा पसे 10 दोष डालियां पसे एक रति दोष है कोई कोई दोष अकृतरा टाले न कोई द्वार ततीरा कोई कोई संत परमार्थ वोटे तो पार नहीं पाया उसी का कोई कोई तो परमार्थ में लागूड़ा बनारो तो पार ही नहीं है। 3 दोष तंद्रा टालो 3 दोष मनरा 3 शरीर का दोष है सोरी जारी ने जीव हत्या ये 3 तंद्रा है 3 है मनरा हरक हरक शोक ने अभिमान ये 3 मनरा है ए वस 4 दोष है वचनरा झूठ बोलनो कठोर बोलनो कन्नी निंदा करनी ने लापरवाही वना जरूरती बोलनो ये 4 दोष और वचनरा है ए 10 दोष टाले 3 दोष तंद्रा टालो 3 दोष मनरा 4 दोष वसनरा टालो पछे और दोष नहीं किसी का। अरे संतों केहू हूं बड़द भक्ति रा कर दल सा पाप मति राखो दोष नहीं लागे एक रति रा तो के परणी नार पियूरी गम जाने पाले वसन पति रा भगत दातार ने सूरो इतने ही है एक ही श्रेणी रा है भक्त है दातार वे सूरो वे है तो एक अन्य घर में वे के नर नारी रो एक मतो वे वन्य घर में के तो दातार वो वे के भगत वे के कोई सूरो पाके पण पति रो वचन पाले तो मन ने अन मन ने ढाबे तो क्योंकि मनरी लोड है मनरी लोड दरियारी लोड आवे वन करती आखरी है।
दरियारी लोड ने कोई रोक सके पर मंदरी लोड रोकनी बड़ी मुश्किल है। जब स्त्री रजो सोलावे तीन दिन रे वास्ते स्त्री रजो सोलावे और बाद में सोलह दिन तक गर्भधान राखे सके स्नान की दौर पचत सोलह होले दिन तक वह स्त्री है गर्भ धारण कर सके। अगर वन में जितना दिन ज्यादा खोचे स्नान तीन दिन है रजो चोला चौथो दिन पांच मोहन छठे छठी रात वे वो बड़ी अच्छी वे यूं करता करता सोलह में दिन दस में दिन वे तो बड़ो राजा वे है। ग्यारह में दिन स्त्री पुरुष रो मेलो वे अगर संतान बेटो पैदा वे तो बड़ो जो योगी वे कोई महान योगी वे। पननी नार पियूरी गम जाने पाले वसन पतीरा पल पल वसन पासो नहीं फेरे ए कौम है सगतीरा संतों केहू बड़द भक्तीरा कर दल साफ पाप मतीरा को दोष नहीं लागे एक रतीरा। धीरज धार खमिया अंग रहना न धीरज लस अण धरतीरा अण धरती माता में भूमका में अण भूमका माता में जितनी जरना है जतरी जरना स्त्री पुरुष दो जाके जिद वनारे घर में कोई दातार भगत के सूरो पाके। धीरज धार खमिया अंग रहना धीरज लसन धरती रा ओ दल दरिया समुद्री लोडा तरना कोई करोड़पति रा करोड़ों में एक आ जाओ तरना करोड़पति रा संत कहूं बड़द भक्ति रा कर दल सा पाप मति रा कोई दोष नहीं लागे एक रुती रा कहे दौला राम भाग्य राजा पासी बात बताइए कि हे भाई भाग्य री बात ये सारी कुदरत रा खेल है मन करे आतरी बात नहीं है। जब कहे कहे दौला राम भाग्य राजा कोई पंद पूर्व लाती का कोई वन्नी आगली पुण्य ही वे है मन जीवारी पुण्य ही वे तो इसे नितर तो नहीं वे कहे दौला राम भाग्य राजा कोई पंद पूर्व लाती का मौन सा परवानो लेगा याद कार्य है जे उसी का। अरे संतों क्यों बड़े भक्तीरा कर दल सा पाप मतीरा को दोष नहीं लागे एक आज मेरी कमाई रो जदी ठा पड़े अच्छी कमाई की लिए अरे मारे जी गुणो उजल बगलियो फरियाती कोई नहीं वे अंदर रिए जो माई ली आत्मा न शुद्ध अपनी अंतिकरण शुद्ध की दौड़ो वे आज मेरी अच्छी कमाई वे है वाह कटे ठा पड़े औलाद रे माते जिनी औलाद अच्छी वे हमजनो के अणे कोई कोई राम जी की भक्ति की दी अरे जिसकी औलाद सुधरी इसकी जिंदगी सुधरी जिसकी औलाद बगड़ी उसकी जिंदगी बगड़ी।